हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली कक्षाओं में हम लोग सीटेट का जो बाल विकास है उसके अंतर्गत मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित कुछ जानकारी जो है जान चुके थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम आपको बता चुके थे कि अरस्तु महोदय आए और अरस्तु महोदय कैसे जो है मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, फिर बाद में कैसे जो है आत्मा के अध्ययन को ठुकरा दिया गया और जो है पंपोनोजी साहब आए, उन्होंने कैसे मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के रूप में देखा। इनके बाद जो तीसरा विद्वान आया दोस्तों, उन तीसरा विद्वान का नाम जरा गौर से देखिए। तीसरा विद्वान जो आए उन्होंने लेकर आया कौन सा, आप लोगों को बताया दोस्तों कमेंट करने के लिए कि कमेंट करके बताइए कौन सा विद्वान थे और उन्होंने कौन सा विचारधारा दिया मनोविज्ञान के प्रति। तो दोस्तों, तीसरा विचारधारा जो था वो था चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान दोस्तों? चेतना का विज्ञान, या इसी को हम लोग चेतना का अध्ययन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, ये चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन जो विचारधारा है मनोविज्ञान के प्रति, मनोविज्ञान से संबंधित, ये किसने दिया? दोस्तों, आपको बता दें, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कहने वाले जो विद्वान थे उस विद्वान का नाम था विलियम वुंड। क्या नाम था दोस्तों? विलियम वुंड। आप नाम याद रखेंगे दोस्तों, विलियम वुंड। और इन्हीं के साथ एक और नाम मिलता है दोस्तों, जिनका नाम था विलियम जेम्स। तो विलियम वुंट या विलियम जेम्स, ये दोनों जो है अलग अलग विद्वान है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम वुंट अलग थे और विलियम जेम्स जो है वो अलग थे। विलियम वुंट जो थे दोस्तों, वो कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों, आपको पता होगा, विलियम वुंट जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और आपको बता दे दोस्तों, ये जो विलियम जेम्स साहब थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो किसने कहा था मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है? तो विलियम वुंट या विलियम जेम्स साहब बोल रहे थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। दोस्तों, चेतना किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि चेतना का मतलब होता है शरीर में अचानक उत्पन्न होने वाला जो भी क्रिया, समझ लीजिए जैसे आपके पैर में कांटा चुभता है, अचानक से आपका हाथ पैर के पास जाता है, कहीं ना कहीं वो क्या है, आपके अंदर उत्पन्न होने वाला चेतना है। जैसे आप किसी गर्म वस्तु, मान लीजिए कुकर है, कुकर को जैसे ही आप छूते हैं आपको पता नहीं कि कुकर गर्म है और आपका हाथ जो है सीधा पीछे आ जाता है, हाथ को आप छिप लेते हैं दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों? चेतना ही है। दोस्तों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम वुंट या विलियम जेम्स ने कहा था। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि विलियम जेम्स महोदय जो थे, सॉरी विलियम वुंट का पहले आप देखिए, ये जो विलियम वुंट साहब थे उन्होंने क्या किया। सबसे पहले आपको विलियम वुंट जी का जो कृत्य है, विलियम वुंट जी का जो किया गया कार्य है, उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं विलियम वुंट जी जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या किए थे। दोस्तों, आपको बता दें, मनोविज्ञान में पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, फिर हम आपको लिखवा भी देंगे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण करने का श्रेय जो है वो विलियम वुंट साहब को जाता है। विलियम वुंट पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, इससे पहले जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह रहे थे अरस्तु साहब, उनके विचारधारा को क्यों ठुकरा दिया गया? क्योंकि आत्मा पे हम लोग शोध नहीं कर पा रहे थे, रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। फिर जो पंपोनोजी साहब आए, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और उनके विचारधारा को भी ठुकरा दिया गया, उनका भी प्रतिरोध कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मन और मस्तिष्क पर भी शोध संभव नहीं था दोस्तों। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से क्लिक करके पुराना वीडियो भी जो है वो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें, फिर ये जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, इसे प्रूव करने के लिए, इसे सत्यापित करने के लिए विलियम वुंट साहब क्या किए? विलियम वुंट साहब जो है जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों, उन्होंने जर्मनी में ही एक लिप्जिंग नगर है, जर्मनी में ही लिप्जिंग नगर है, वहीं पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जहां पर लिप्जिंग नगर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ही सबसे पहले व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण किए। कब किए? 1879 में, अर्थात 1879 ईस्वी में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। और आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान समय में जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल करके कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है।
देखिए दोस्तों क्या बताएं आपको, सबसे पहले आप नोट में दोस्तों याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, एकदम ध्यान देते हुए नोट्स बनाते हुए साथ साथ आपको एकदम अच्छा से अध्ययन करते हुए चलना है दोस्तों। क्या बताया दोस्तों कि विलियम वुंड, जी हाँ दोस्तों ये जो विलियम वुंड है, विलियम वुंड जी जो है, विलियम वुंड ने सर्वप्रथम, विलियम वुंड ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में, सर्वप्रथम मनोविज्ञान की व्यवस्थित प्रयोगशाला, व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण जर्मनी के कौन नगर है दोस्तों, आपको नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, लिपजिंग नगर, जी हाँ दोस्तों जर्मनी के ही लिपजिंग नगर है दोस्तों, लिपजिंग नगर। और लिपजिंग नगर में ही दोस्तों एक विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय का नाम क्या है दोस्तों, लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग नगर के लिपजिंग विश्वविद्यालय, हाँ दोस्तों विश्वविद्यालय शॉर्टकट में लिख दिए हैं, लिपजिंग नगर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या किए आपको बता दे दोस्तों, विलियम वुंड ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण जर्मनी के लिपजिंग नगर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में किए। अब दोस्तों मुद्दा है कि कब किए, 1879 में किए, 1879 ईस्वी में किए, ठीक है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि वर्तमान समय में जो है लिपजिंग नगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है दोस्तों, आप याद रखिएगा, वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम, वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। आइए दोस्तों आपको क्या बता रहे थे दोस्तों, ये बताएं कि मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले जो है सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया, तो बता दे दोस्तों किसने किया, विलियम वुंड ने किया। विलियम वुंड पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के लिए सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण किए। कब किए दोस्तों, 1879 ईस्वी में किए। कहाँ किए, तो जर्मनी में किए। कहाँ किए दोस्तों, जर्मनी में किए, जर्मनी के लिपजिंग नगर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में किए। आपको बता दे दोस्तों कि लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान समय में बदलकर क्या कर दिया गया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है दोस्तों। अभी तक ये बताएं कि मनोविज्ञान को बाद में चेतना का विज्ञान कहा गया, किसने दिया चेतना के विज्ञान का विचारधारा, विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने। आपको विलियम वुंड के बारे में बताएं कि विलियम वुंड जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने मनोविज्ञान के लिए व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण किया। आइए दोस्तों अब देखते हैं विलियम जेम्स के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, आप हो सके तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए दोस्तों। आपको बता दें ये जो विलियम जेम्स साहब थे, जी हाँ दोस्तों ये जो विलियम जेम्स थे ये कहां के रहने वाले थे, विलियम जेम्स जो है दोस्तों वो अमेरिका के विद्वान थे। विलियम जेम्स कहां के विद्वान थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और विलियम जेम्स साहब क्या किए दोस्तों, विलियम जेम्स साहब पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मनोविज्ञान के विषय वस्तु को, जिन्होंने मनोविज्ञान के विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करके द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया। इसीलिए आपसे पूछ ले कि बताइए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप विलियम जेम्स का नाम ले लीजिएगा, या फिर कहीं कहीं आपको विलियम वुंड भी मिल सकता है। विलियम वुंड का नाम क्यों मिलता है दोस्तों, क्योंकि विलियम वुंड पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मनोविज्ञान पर प्रयोग करके या शोध करके लिखा। तो विलियम जेम्स के बारे में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, विलियम जेम्स जो है ये क्या किए दोस्तों, इन्होंने
सर्वप्रथम मनोविज्ञान के विषय वस्तु को, इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग कर, दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी, एक स्वतंत्र पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या बताया दोस्तों? पुस्तक का नाम बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक क्या लिखे दोस्तों? पुस्तक लिखे। ठीक है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है क्या किए दोस्तों? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है लिखे। सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान के विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करके उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखा जिनका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आइए दोस्तों आपको आगे बताते हैं आगे क्या हुआ। इसीलिए दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए, सीधा अगर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक पूछे, देखिए दोस्तों हम आपको क्या क्या बता चुके हैं, कुछ एक बातें जो कि आपको याद रखना चाहिए वो बातें दोस्तों हम नोट में आपको लिखवा देते हैं, आप उन्हें हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो आप बेहिचक किनका नाम लीजिएगा दोस्तों? प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? आपको पता है दोस्तों अरस्तु को बोलते हैं। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों जो एक विद्वान थे जिनका नाम था कॉलसेनिक, कॉलसेनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किनको माने हैं? अरस्तु को न मान के प्लेटो को माने। फिर एक दूसरा विद्वान हुए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु बोल दीजिएगा, आपसे मान लीजिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछ ले तो क्या कहिएगा दोस्तों? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों विलियम वुंट या फिर विलियम जेम्स, कहीं कहीं विलियम वुंट मिलेगा, कहीं कहीं आपको विलियम जेम्स मिलेगा, आप ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों काम कर लीजिएगा। विलियम वुंट को क्यों बोलते हैं? क्योंकि विलियम वुंट साहब मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला का निर्माण किए। विलियम जेम्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। एक बात और दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक या अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, तो वहां तो नो डाउट दोस्तों अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों वो किसको बोलते हैं अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, तो अमेरिका में जो मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं दोस्तों वो विलियम जेम्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? विलियम जेम्स को बोलते हैं। दोस्तों एक बात आप और याद रखिएगा, यहाँ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही याद रखने योग्य वाली बातें हैं दोस्तों, कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं, मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं, जननी का मतलब मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ है दोस्तों वो कहाँ से हुआ है। अब दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान की जननी जो है दोस्तों वो कौन है? दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र है दोस्तों। तो मनोविज्ञान की जननी कौन है दोस्तों? दर्शन शास्त्र है।
दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है एक बार ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान का या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट या विलियम जेम्स है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? विलियम जेम्स को बोलते हैं। और मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र को कहते हैं। आइए दोस्तों इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे क्या हुआ दोस्तों? आपको पता होगा बाद में आगे चलकर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो है ये जो मान्यता दिया गया था इसे भी ठुकरा दिया गया, इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया दोस्तों? क्योंकि आपको बता दें दोस्तों एक विद्वान हुए दोस्तों, और उस विद्वान का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उस विद्वान का नाम है दोस्तों विलियम मैकडूगल। क्या नाम है दोस्तों? विलियम मैकडूगल। ये विलियम मैकडूगल साहब जो है एक पुस्तक लिखे। विलियम मैकडूगल साहब क्या किए? विलियम मैकडूगल साहब जो है एक पुस्तक लिखे। कौन सा पुस्तक लिखे? विलियम मैकडूगल ने द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? The Outline of Psychology जो पुस्तक है दोस्तों वो किनकी है? The Outline of Psychology जो पुस्तक है दोस्तों वो विलियम मैकडूगल की है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक The Outline of Psychology में क्या कहा? इन्होंने The Outline of Psychology नामक पुस्तक में चेतना को में कहा कि क्या कहा दोस्तों? याद रखेंगे आप लोग, विलियम मैकडूगल जो है उन्होंने अपनी पुस्तक दी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य समझता हूं कि लोग इसे चेतना के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। क्या कहा गया दोस्तों? इन्होंने क्या कहा? विलियम मैकडूगल साहब आए और विलियम मैकडूगल साहब कहते हैं उन्होंने पुस्तक लिखा दोस्तों द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा? विलियम मैकडूगल ने लिखा। और उन्होंने द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य समझता हूँ कि लोग इसे चेतना के अध्ययन के रूप में दोस्तों परिभाषित करते हैं। अर्थात विलियम मैकडूगल जी जो है उन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द के रूप में देखा, और इसी को लेकर के आगे चल के बहुत सारे विद्वान जो हैं वो मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन के रूप में भी स्वीकार नहीं किए। आपको पता होगा दोस्तों चेतना के 3 स्तर होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ही आपको बता चुके थे, एक तो होता है चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन। आपको पता होगा दोस्तों चेतन मन जो है वो हमारा 10% ही होता है, जबकि अर्ध चेतन और अवचेतन जो है वो 90% होता है। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन के रूप में देख पाना कहीं ना कहीं ये मुश्किल वाला स्थिति आ चुका था। तो मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में भी नहीं देखा गया, और मनोविज्ञान को जो चेतना के अध्ययन के रूप में देखा जा रहा था इसकी भी मान्यता पर क्या आने लगा दोस्तों? सवाल उठने लगा। और आपको बता दें दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन के रूप में सबसे कम समय तक चलने वाला अर्थ देखा गया था। 19वीं शताब्दी में यह शुरू हुआ था। आपको बता दे दोस्तों इससे आगे क्या हुआ। इसके बाद जो है दोस्तों 20वीं शताब्दी में एक मनोविज्ञान की अलग विचारधारा जो है प्रचलित हुई, और उसके बाद मनोविज्ञान को दोस्तों व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को क्या कहा गया दोस्तों? मनोविज्ञान जो है दोस्तों उसे क्या कहा गया दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ध्यान से देखेंगे दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, व्यवहार का विज्ञान
या व्यवहार का विज्ञान कह लीजिए या फिर अध्ययन कह लीजिए। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार के अध्ययन के रूप में जो है दोस्तों वो कब से देखना शुरू किया जाने लगा दोस्तों, आपको बता दें ये 20वीं सदी की बात है। कब की बात है दोस्तों? 20वीं सदी से। और 20वीं सदी से जो है दोस्तों आज तक, 20वीं सदी से आज तक चलने वाला ये विचारधारा है दोस्तों। आज भी हम लोग मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? आज तक की विचारधारा है दोस्तों। आज तक जो है हम लोग मनोविज्ञान को किसके रूप में देखते हैं? तो मनोविज्ञान को जो है वो व्यवहार के रूप में ही देखते हैं। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। किसने कहा था मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है? आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, जेबी वाटसन जी जो थे, जिनका पूरा नाम जॉन ब्रोडस वाटसन था। क्या नाम था दोस्तों? जॉन ब्रोडस वाटसन। जॉन ब्रोडस वाटसन। ये जॉन ब्रोडस वाटसन साहब क्या बोले मनोविज्ञान को? जॉन ब्रोडस वाटसन साहब जो थे उन्होंने कहा मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन मस्तिष्क का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान तो मानव व्यवहार का विज्ञान है। जॉन ब्रोडस वाटसन को हम लोग जो है शॉर्टकट में क्या बोलते हैं दोस्तों? जॉन ब्रोडस वाटसन साहब को शॉर्टकट में जो है जेबी वाटसन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेबी वाटसन। जी हाँ दोस्तों, जेबी वाटसन बोले या जॉन ब्रोडस वाटसन बोले या सीधा वाटसन बोले, आप समझ जाइएगा ये वाटसन मतलब जॉन ब्रोडस वाटसन ही तो है जिन्होंने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा था। आइए दोस्तों, अब इस व्यवहार के विज्ञान का समर्थक कौन कौन है? कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के रूप में देखते हैं और इनका समर्थन प्रदान करते हैं, इनको सपोर्ट करने का कार्य करते हैं? देखिए दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला विद्वान है जिनका नाम है थॉर्नडाइक। क्या नाम है दोस्तों? थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक महोदय जो है मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, विलियम मैकडूगल, ये वही विलियम मैकडूगल है दोस्तों जिन्होंने कहा था मनोविज्ञान का मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि लोग मनोविज्ञान को किसके रूप में अध्ययन करते हैं? चेतना के रूप में अध्ययन करते हैं, और जो चेतना का विरोध करेंगे स्वाभाविक सी बात है कि वो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के रूप में देखना पसंद करेंगे। थॉर्नडाइक, विलियम मैकडूगल, इसके अलावा क्लाइव, सी एल हल, ये सब जो है दोस्तों, स्किनर इत्यादि विद्वान जो है दोस्तों, ये सब विद्वान मानव मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में देख रहे थे और इन सब का समर्थन कर रहे थे। और वर्तमान समय में भी दोस्तों मनोविज्ञान को हम लोग मानव व्यवहार का ही विज्ञान कहते हैं, मानव व्यवहार का ही अध्ययन कहते हैं। आइए दोस्तों, आपको बता दें जेबी वाटसन महोदय जो है उन्होंने एक कथन कहा था। जेबी वाटसन महोदय क्या कहते? देखिए दोस्तों, जेबी वाटसन महोदय का कहना था कि आप मुझे एक बालक दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, चाहूंगा तो एक डॉक्टर बना दूंगा, चाहूंगा तो एक शिक्षक बना दूंगा, चाहूंगा तो एक वकील बना दूंगा, और चाहूंगा तो एक चोर भी बना सकता हूं। यानी आप मुझे एक बालक दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। आप सोच कर देखिए दोस्तों, वास्तव में ये बात एकदम प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि किसी भी बालक को जिस तरह का परिवेश मिलेगा, जिस तरह का माहौल मिलेगा, बालक उसी परिवेश में, उसी माहौल में ढल जाएगा। इसीलिए ये जेबी वाटसन महोदय क्या कह रहे थे, देखिए दोस्तों, आपको नोट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नोट में क्या है दोस्तों, याद रखेंगे आप। देखिए दोस्तों, नोट क्या है दोस्तों, नोट में सबसे पहले ये जेबी वाटसन महोदय क्या कह रहे हैं, जेबी वाटसन महोदय कह रहे हैं, जेबी वाटसन महोदय के अनुसार क्या है नोट? जेबी वाटसन ने कहा था, किसने कहा था? जेबी वाटसन बोले तो जॉन ब्रोडस वाटसन। नाम तो याद रहेगा ना दोस्तों, जॉन ब्रोडस वाटसन ने कहा था। जॉन ब्रोडस वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बालक दीजिए, आप मुझे एक बालक दीजिए या बालक दो, मैं उसे कुछ भी, मैं उसे कुछ भी मतलब
एक आप समझ लीजिए ना, जैसे एक मान लीजिए हम बोल रहे हैं एक शिक्षक, बोले तो एक टीचर, ठीक है दोस्तों। एक आप मान लीजिए वकील, या फिर एक जो है सो मान लीजिए डॉक्टर, या फिर एक चोर। एक चोर भी बना सकता हूं, एक चोर भी बना सकता हूं। दोस्तों क्या कह रहे थे जॉन ब्रोडस वाटसन साहब? जॉन ब्रोडस वाटसन साहब ये कहना चाह रहे थे, जॉन ब्रोडस वाटसन साहब ने कहा था कि आप मुझे एक बालक दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, एक शिक्षक बना सकता हूँ, एक वकील बना सकता हूँ, एक डॉक्टर, एक चोर, एक कुछ भी बना सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको याद क्या रखना है? दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि मनोविज्ञान का परिभाषा हमें देना हो तो हम क्या देंगे? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहेंगे, मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान कहेंगे, या मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान समझे, या मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान समझे, मनोविज्ञान को हम क्या कहें? ऐसे स्थिति में दोस्तों आप बस ये याद रखिएगा कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। और इसी क्रम में जो है दोस्तों आपको एक परिभाषा जो कि बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, एकदम आपको याद रखना है दोस्तों, एक विद्वान हुए जिनका नाम था वुडवर्थ, और वुडवर्थ जो है मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा देते हैं। आइए दोस्तों आपको मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा पे ले चलते हैं कि मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा जो है वो कैसे कैसे संपन्न। मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा? अर्थ यात्रा परिभाषा। मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा, अर्थ यात्रा परिभाषा। सबसे पहले दोस्तों तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा जो है वो किसने दिया है। दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं भूलना है मनोविज्ञान की जो अर्थ यात्रा परिभाषा है वो किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया है। वुडवर्थ साहब जो है एक परिभाषा बताएं और उस परिभाषा में मनोविज्ञान की पूरी अर्थ यात्रा को पूरे आत्मा से लेकर व्यवहार तक को शामिल कर दिए। क्या कहें वुडवर्थ साहब? वुडवर्थ साहब कहते हैं मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को अपनाया। किसको अपनाया सबसे पहले दोस्तों? आत्मा को अपनाया फिर मन या मस्तिष्क को अपनाया फिर मन या मस्तिष्क को अपनाया फिर चेतना के स्वरूप को अपनाया फिर चेतना को अपनाया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को धारण किए हुए धारण किया हुआ। आइए दोस्तों क्या बताएं? दोस्तों ये बताएं कि मनोविज्ञान की जो अर्थ यात्रा परिभाषा है वो किसने दिया? वुडवर्थ साहब दिए। वुडवर्थ साहब बोलते हैं कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले आत्मा को अपनाया फिर आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा के स्वरूप को ही छोड़ दिया, फिर मन या मस्तिष्क के स्वरूप को अपनाया फिर मन या मस्तिष्क के स्वरूप को छोड़ दिया, फिर चेतना को अपनाया फिर चेतना के स्वरूप को छोड़ दिया, फिर जो है मनोविज्ञान जो है दोस्तों वो मानव व्यवहार के स्वरूप को अपनाया, और वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार के स्वरूप को ही धारण किए हुआ है।
दोस्तों अगर आप मनोविज्ञान के पूरे परिभाषाओं को, पूरे अर्थ यात्रा को, मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास को समझें, तो इसे आप एक वृक्ष के पौधा से लिंक करके सोच सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष का पौधा होता है, बरगद का पेड़ देखे होइएगा दोस्तों, जब मनोविज्ञान को हम लोग आत्मा का अध्ययन कहते थे, उस समय मनोविज्ञान जो है वो जड़ में था, उस समय जन्म ही ले रहा था। जैसे ही मनोविज्ञान में थोड़ा सा तनाव वगैरह आया तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिए। जैसे ही मनोविज्ञान थोड़ा सा बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया, तो मनोविज्ञान को हम लोग जो है वो चेतना का विज्ञान कह दिए। अब मनोविज्ञान फलने फूलने लगा है तो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों, हम लोग मनोविज्ञान की जो है सो बहुत सारी संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान के बहुत सारे शाखाएं हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के अलावा जो हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, शिक्षा क्या है इत्यादि मुद्दा पर चर्चा करेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारियां जो है समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी डाउट आता है दोस्तों, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे जो है वो क्लास खत्म होने के बाद बेहिचक पूछ लीजिए। दोस्तों आप जो है सो क्या कहते हैं, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए और थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकालकर, समय निकालकर ठीक से पढ़ते रहिए। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस जो है आपके लिए बेहद मददगार होंगी। सीजेट के लिए तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है दोस्तों, आपको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सभी विषयों के वीडियो है उपलब्ध होने लगेंगे। अभी तक अगर आपने टॉपर्स क्लासेज पुपरी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।